गुड आफ्टरनून, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग. ठीक है गाइस, आज का कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस इन अ सब्जेक्ट नेम्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड दिस सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज देयर इन एवरी डे लाइफ. एवरी डे आप ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते रहेंगे. जैसे कि गाइज, आज ना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं अपने क्लास के नीचे चाय वाले के पास गया और मैं चाय पी रहा था और वहां पे बहुत भीड़ थी. देयर वॉज टू मच ऑफ क्राउड. तो गाइज मुझे दिमाग चला कि भाई ये चाय वाला तो सॉलिड प्रॉफिट कर लेता होगा. तो मैं चाय पी रहा था, फिर मैं रुका थोड़ी देर, थोड़ा क्राउड खाली हो गया. देन फिर मैंने उस चाय वाले से कहा कि भाई आप तो बहुत प्रॉफिट कमा रहे. तो बोलता है हाँ साहब जी बहुत प्रॉफिट कर लेता हूँ. मतलब भाई ये चाय एक कटिंग 10 रुपये में बेचते हो आप, बनती कितने में होगी? बोलते सर 5-6 रुपये में बन जाती है. तो मैंने उसे पूछा कि ये 5-6 रुपये में जो चाय बन जाती है उसके ब्रेकअप बताइए आप मुझे, कॉस्ट शीट बना के बताइए कि 5-6 रुपये में क्या आता है. देन ही टोल्ड मी सर कि देखो 2 रुपये का दूध आता है, 1 रुपये की चीनी आती है, 1 रुपये की चाय आती है, 1 रुपये का मसाला आता है, बाकी का 1 रुपया मेरा खर्चा हो जाता है जैसे कि गैस सिलेंडर एंड ऑल दैट स्टफ. तो 6-7 रुपये में चाय बन जाती है. नाउ ही फॉरगॉट टू ऐड वन मोर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द टी. व्हाट इज दैट? कि ये 7 रुपये की चाय बनाने के लिए 7 रुपये कहां से आता है? तो ये नॉर्मल लेमैन नहीं समझ पाता कि अगर हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए तो वो पैसा भी हमारे पास फ्री में नहीं आता है, वो पैसे का भी एक कॉस्ट होता है. एंड दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गाइस, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट? सो गाइस, क्या है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हाउ डू यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? का मतलब पैसे का कॉस्ट. कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पैसे का कॉस्ट? सो गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस तरह से. I'm going to take you through every single of them. So what is the concept of cost of capital? What is cost of debt? What is cost of preference? What is cost of equity? What is cost of retained earnings? And last one is what is weighted average cost of capital? तो ये सारे concept हम आज discuss करेंगे. सबसे पहले जाऊंगा मैं concept of cost of capital पे. So sir, what is concept of cost of capital? भाई what is concept of cost of capital? पैसा चाहिए, business करने के लिए पैसा चाहिए. तो गाइस, जैसे हम एक सब्जी मार्केट में जाते हैं ना, और फॉर एग्जांपल अगर हमें आलू खरीदने हैं तो आलू बेचने वाला एक भैया नहीं होता, बहुत सारे भैया होते हैं. तो भाई उस भैया को जाके पूछा आलू कैसे दिया, उसको पूछा आलू कैसे दिया, उसको पूछा आलू कैसे दिया. गाइस वैसे ही जब हम कैपिटल रेज करने जाते हैं तो वी हैव गॉट वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल. गाइस एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर, एक डिबेंचर, एक हमारे रिजर्व्स. तो यहां से हम कैपिटल रेज कर सकते हैं. गाइज अब आलू वाले में क्या डिफरेंस होता है? कि आलू की क्वालिटी अलग होती है. तो सर इनसे पैसे लेने में क्या डिफरेंस होता है? इनसे पैसे लेने में डिफरेंस ये होता है कि इन सबको एक अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं. जैसे कि डेट के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है, इक्विटी के पास पूरा डिसीजन मेकिंग पावर होता है कंपनी का. प्रेफरेंस, दे गेट प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर इन रिडम्पशन, इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सो गाइज ये हर एक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है और ये सब के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. तो हम सबसे जाके 100 रुपया मांग रहे हैं, डिबेंचर वाले को जाके पूछा भाई तेरा 100 रुपया कितने में, प्रेफरेंस शेयर को जाके पूछा कि तेरा 100 रुपया कितने में, रिजर्व्स को जाके पूछा कि तेरा 100 रुपया कितने में, इक्विटी को जाके पूछा कि तेरा 100 रुपया कितने में. वी आर गोइंग टू आस्क एवरी वन ऑफ देम दैट इफ आई वॉन्ट 100 रुपी फ्रॉम यू, हाउ मच इज गोइंग टू बी द कॉस्ट? दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू आस्क देम. ठीक है. सो गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 चीजों से बनता है. There are 4 ingredients inside the cost of capital. The first one is equity, second one is reserves, third one is preference, and last one is debt. Let me start with the last one first. मैं पहले last one से start करूंगा, that is cost of debt से start करूंगा. ठीक है, चलिए. तो cost of debt से अगर चालू करना है तो cost of debt में हमारे पास क्या आता है? Guys, debt या तो redeemable होता है या तो irredeemable होता है. Now we have a cost of redeemable debt or we have a cost of irredeemable debt. If the debt is irredeemable, मतलब इसका redemption ही नहीं होना है. तो गाइस debt को repayment में क्या करना है? I stands for interest, but जैसे आप interest pay करते हो ना guys, उस पर आपको tax shield मिल जाता है. तो I 1 minus T divided by net proceeds. Net proceeds का मतलब finally हमारे हाथ में कितने पैसे आए. तो गाइज अगर हमने 100 रुपये का debt issue किया है, बट वो 100 रुपये का debt issue करते करते हमारे 2 रुपये के खर्चे हो गए, तो भाई हाथ में तो 98 रुपीज आया ना. आई विल हैव टू पे द इंटरेस्ट नॉट ऑन 98, बट आई विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन 100.
So it's going to be I1 minus T divided by NP, that is net proceeds, and that is the cost of irredeemable debt. So cost of irredeemable debt formula, please dimag mein rakhiye, is I1 minus T upon NP, that is net proceeds. Guys, next one is cost of redeemable debt. Sir, agar debt redeem hone wala ho to kya? Guys, agar debt redeem hone wala to I1 minus T to le lo, because interest har saal pay karna hai, us pe tax sheet mar jata hai, to I1 minus T plus RV stands for redemption value, minus NP stands for net proceeds. Guys, redemption karte vak 102 rupya dena hai, net proceeds mein 98 rupees aaya tha, to aap ye jo 4 rupya bhi extra pay kar rahe ho na, aaj 98 aaya, redemption karte vak 100 dena hai, to ye 4 rupya bhi jo aap extra pay kar rahe ho na, wo bhi to hamare liye cost hua na. बट ये हर साल का कॉस्ट नहीं है, तो उसे आप स्प्रेड कर दीजिए लाइफ में. तो इट्स आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन अपॉन, गाइस एवरेज लेना होता है कॉस्ट लेने के लिए, एवरेज कैसे लेते हैं, सो इट इज आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू. सो गाइस केवी इज इक्वल टू I1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन द होल अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू. आई होप यू गाइस आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल. टू गुड जकास गाइस. नेक्स्ट वन cost of preference share. So guys, cost of debt, ek bar cost of debt yaad rakh lijiye before I teach you cost of preference. Cost of debt, that is KD. KD is equal to I1 minus T upon NP. KD for redeemable is equal to I1 minus T plus RV minus NP divided by N upon RV plus NP divided by 2. Classic, too good. Next one guys, cost of preference. Cost of preference, again the preference can be redeemable or irredeemable. Guys, cost of irredeemable preference, redemption नहीं करना, irredeemable है. सर तो आप preference को return में क्या देते हो? Dividend, that is dividend on preference, DP upon NP. यहां पे 1 minus tax नहीं आएगा because dividend पे कोई tax shield नहीं होता, तो DP upon NP, where DP stands for dividend on preference, NP stands for net proceeds, and guys NP is equal to issue price minus the flotation cost. Guys, अगर ये redeemable preference shares हो तो सर सेम कहानी जो डेट में लगाई थी वही सेम कहानी प्रेफरेंस में लगाएंगे आप. केपी इज इक्वल टू डीपी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन. डीपी दैट इज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस प्लस आरवी दैट इज रिडम्पशन वैल्यू माइनस एनपी दैट इज नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय एन अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू. सो गाइस माय फॉर्मूला फॉर केपी, केपी विल बी इक्वल टू डीपी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस लवली, है ना. So cost of debt, I1 minus T, cost of preference, DP, upon net proceeds करना नहीं भूलना, और redeemable हो तो RV minus NP divided by N upon RV minus NP divided by 2, clues, cool. Cost of equity, guys, cost of equity ना एक सबसे complicated concept है. क्यों? Because equity को आप fixed return नहीं देते हो, equity को हम floating return देते हैं, है ना. इक्विटी को हम फ्लोटिंग रिटर्न देते हैं, तो अगर हम इक्विटी को फ्लोटिंग रिटर्न देते हैं, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच और डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच. मतलब यहां पे डिविडेंड प्राइस अप्रोच बोलता हूं ना, तो यहां पे शेयर का वैल्यू डिविडेंड पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पे डिपेंड करता है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड प्लस ग्रोथ, अगर कंपनी ग्रोथ दे रही है डिविडेंड पे तो उस पर डिपेंड करता है, अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, अर्निंग्स प्लस ग्रोथ पे डिपेंड करता है. और एक लास्ट मॉडल है सीएपीए मॉडल, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. गाइस अगर डिविडेंड अप्रोच है तो बहुत सिंपल है. गाइस प्रेफरेंस को रिटर्न में क्या दे रहे थे? डीपी. इक्विटी को डिविडेंड में क्या देंगे? डी. लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डी लिख दो, डी अपॉन एनपी. एनपी की जगह पे एमपी भी आ सकता है, मार्केट प्राइस. Are we exactly clear with that one? So if the company is paying constant dividend, company har saal same dividend pay karta hai, same dividend pay karta hai, toh RE, or we can say KE. KE is equal to D upon NP. Next one. Guys, KE is equal to, agar company constant dividend pay karta hai, toh D1 upon NP plus G. Plus G aana hai because company growth pay kar raha hai. Aur D1 lena zaruri hai, D nahi lena. अगर कंपनी ग्रोथ रेट दे रहा है तो गाइस हम जब शेयर खरीदेंगे या लोगों से जाके 100 रुपए लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसे नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड देंगे वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. सो इट विल बी D1 अपॉन एनपी प्लस जी. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड गाइस. नेक्स्ट वन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वंस अगेन, दैट इज अर्निंग्स प्राइस अप्रोच. इस पे अर्निंग्स पे डिपेंड करेगा, डिविडेंड पे अप्रोच पे डिपेंड नहीं करेगा. तो गाइस इन दिस केस के इज इक्वल टू डी की जगह पे ई अपॉन एनपी. आर वी क्लियर? टू गुड.
अर्निंग्स प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच करना है तो हमें के इज इक्वल टू, गाइस अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है तो ई वन अपॉन एम पी प्लस जी आ जाना चाहिए। यहाँ पे गाइस मेरे को फॉर्मूला में के इज इक्वल टू ई अपॉन एम पी दिख रहा है, उसकी जगह पे ई वन अपॉन एम पी प्लस जी आ जाना चाहिए। क्लियर? एंड गाइस फाइनली एक खतरनाक अप्रोच, दैट इज नोन एज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके बारे में तो गाइस एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ मैं, सी ए पी एम मॉडल अप्रोच के बारे में। सो वॉट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल? KE or RE is equal to RF plus beta RM minus RF. What does RF stand for? Risk free. What does B stand for? Beta. RM stands for market return. RF stands for risk free return. RM minus RF stands for market risk premium. And beta RM minus RF stands for capital, or I could say company's risk premium. So guys, equity model से KE calculate करने के simple से approach फिर से एक बार, dividend approach होगा तो D upon MP, dividend growth approach होगा तो D1 upon MP plus G, earnings approach होगा तो E upon MP, earnings growth approach होगा तो E1 upon MP plus G and CAPM model होगा तो RE is equal to और KE is equal to RF plus beta RM minus RF। गाइस एक बार आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स निकालना बहुत सिंपल है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ रिजर्व इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही हमारा कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स है, इट्स एज सिंपल एज दैट। गाइस ये सारे कॉस्ट आ जाए ना तो फिर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लो। और कैसे कैलकुलेट करोगे आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। इट विल बी गाइस पहले कॉलम में सोर्स, सेकेंड कॉलम में अमाउंट, थर्ड कॉलम में उसका प्रपोर्शन निकाल देंगे। प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको याद रखना है कि वी कैन हैव बुक वैल्यू प्रपोर्शंस और वी कैन हैव मार्केट वैल्यू प्रपोर्शंस। एंड गाइस देन वील कैलकुलेट कॉस्ट एंड फाइनली वील कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड। सो गाइस दिस इज माई फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आई विल रिपीट द एंटायर फंडामेंटल वंस अगेन फॉर यू गाइस। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट, that is KD is equal to I1 minus T upon NP, or redeemable होगा तो I1 minus T plus RV minus NP divided by N upon RV plus NP divided by 2. Next one, KP. KP is equal to DP upon NP, or KP is equal to DP plus RV minus NP divided by N upon RV plus NP divided by 2. Next one, cost of equity, dividend approach होगा तो D upon MP, constant dividend growth होगा तो D1 upon MP plus G. अर्निंग्स अप्रोच होगा तो ई अपॉन एम पी, अर्निंग्स ग्रोथ अप्रोच होगा तो ई वन अपॉन एम पी प्लस जी। एंड देन वी गो टू सी ए पी एम मॉडल, अकॉर्डिंग टू सी ए पी एम मॉडल गाइस आर ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। क्लासिक है, टू गुड। एंड देन गाइस वी हैव के ई, के ई विल बिकम के आर, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आ जाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाए, कॉस्ट ऑफ रिजर्व आ जाए, तो उसके बाद लास्ट फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला कॉलम कैपिटल, सेकेंड कॉलम प्रपोर्शंस, अमाउंट, अमाउंट के बाद प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस कैन बी बेस्ड ऑन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट्स। अमाउंट में आप बुक वैल्यू डालिए, मार्केट वैल्यू डालिए, उस हिसाब से प्रपोर्शंस आएंगे। देन वील हैव कॉस्ट एंड फाइनली वील हैव वेटेड कॉस्ट। क्लियर? चकास, टू गुड। Guys, this is Rahul Malkan signing off, and I'm the best. I will score an exemption. I send sweets to Rahul, sir, is my slogan. Please don't forget to say this poem every day when you study with none other than Rahul Malkan. Thank you. Love you guys. Take care. Bye-bye. An Academy. Let's crack it.